बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, एक क्वेश्चन है सीए फाइनल का, डेफर टैक्स का, तो उसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि नाम जनाब जमशेद लिमिटेड हैज रिसेंटली हायर्ड योर सर्विसेज फॉर द पोजीशन ऑफ एन अकाउंटेंट। द फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस। प्लीज रिमेंबर दैट कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये बैलेंस शीट नहीं है। एट 31 दिसंबर 2008 अलॉन्ग विद द सीएफओस कमेंट्स प्रोवाइडेड टू यू। सर, अगर मैं इस ट्रायल बैलेंस में देखूं तो मुझे इस ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है सर, ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस नहीं है बल्कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। इसका मतलब है सर कि कंपनी ने अभी तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है जी सर, इसमें सेल्स आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है और जिसके साथ साथ जो है वो सीएफओ के कॉमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्स कि इन एक्सपेंसेस में क्या चीज़ अलाइबल है क्या नहीं है। ठीक है जी, और अगर सर फाइनेंशियल चार्जेज है तो वो किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। फिर इसके नीचे सर, सॉरी ऑल द वे नीचे आना पड़ेगा जी सर। अब इसके नीचे ना सर कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू टैक्स दी हुई, कौन सा एक्सपेंस एडमिसेबल है और कौन सा एडमिसेबल नहीं है। ठीक है जी, बैडेट्स के बारे में सर वो कह रहा है कि राइट ऑफ इतने हुए, ऊपर बैडेट्स का एक्सपेंस भी दिया होगा। बैडेट्स का एक्सपेंस जो है वो दे रहा है कोई 8,53,000, इसका मतलब इसमें 2 लाख राइट ऑफ वो अलाउड है, बाकी प्रोविजन है वो अलाउड नहीं है और ऊपर शायद प्रोविजन का बैलेंस भी आ रहा हो आपको नजर आ जाए। प्रोविजन फॉर बैडेट्स 6,53,750। ठीक है जी सर, फिर वो कह रहा है देर वर नो एडिशंस और डिलीशंस लीज्ड एसेट, उसका सर लीज ऑब्लिगेशन दिया हुआ है। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है 2007 के एंड की, यानी इस साल की ओपनिंग की दी हुई है। ठीक है जी सर, परचेज दी हुई है फिक्स एसेट्स की, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है अपने एसेट्स की, लास्ट ईयर का एक एडजस्टमेंट है और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज भी हैं। तो सर अगर सबसे पहले हम इस सवाल को देखें तो इसमें हमने काम क्या करना है, इसमें हमें काम ये करना है सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, क्योंकि इस बंदे ने हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दिया, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लेके चलूँ तो सर मेरे पास सेल्स है इसमें कोई 177,633,594। ठीक है जी, अगर मैं सर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखूँ तो ये मेरे पास है 122,106,875। सर इसी तरह मेरे पास डेप्रिसिएशन है अपने एसेट्स की, ठीक है वो है गालिबन 9,385,542। सर फिर मेरे पास डेप्रिसिएशन है लीज्ड एसेट्स की, सर वो है मेरे पास कोई 1,815,212। सर इसके बाद मेरे पास डोनेशंस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, डोनेशन दें सर इसके अंदर कोई 5,62,500। सर मेरे पास जो है वो इसमें फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं, फाइनेंशियल चार्जेस इसमें मेरे पास आ रहे हैं सर को 2,237,500। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर मेरे पास है सर गेन ऑन डिस्पोजल है, अदर एक्सपेंसेस है, सॉरी सवाल अपने सामने आप खोल के रखिएगा सर 6,150,000। सर मेरे पास गेन ऑन डिस्पोजल भी है इसमें कोई 3,75,000 रुपये का, और मेरे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिविडेंड इनकम भी मौजूद है कोई 5,12,500 रुपये। सर मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है अकाउंटिंग का, दिस इज 3,62,636,45। ठीक है जी सर, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल आया। अब मैं काम ये करूंगा कि सर एक एक करके जितने मेरे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं और उनको मैं निकालता जाऊंगा और उनका जो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स का डिफरेंस होगा उससे मैं रिकंसिलिएशन बनाता जाऊंगा। तो सर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ। सर ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मैंने इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है सही प्रॉफिट पहुंचने के लिए। तो सर अगर मैं दोबारा सवाल पे जाऊं तो मेरे पास सवाल में जो बैलेंस शीट पे चीज़ें आ रही हैं, शेयर कैपिटल नहीं, रिटेनिंग नहीं, ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज। तो मैं सबसे पहले सर
लीज एसेट्स पिक कर लेता हूँ, या मैं पहले ओन्ड एसेट पिक कर लूँ, ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओन्ड एसेट्स मेरे पास एसेट साइड पे आ रहे हैं 1,10,187,500, लेकिन एक क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी, मैं पीपी लेके चलता हूँ जनाब, मुझे नहीं पता पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, आई डोंट नो। ठीक है जी, मैं पीपी के ओपनिंग बैलेंस, मुझे नहीं पता ओपनिंग बैलेंस कितना है। अच्छा, मुझे इतना पता है कि सर ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है। फिर नीचे सर एक गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा था, तो इसका मतलब है डिस्पोजल भी हुआ है। फिर नीचे एक्विजिशंस भी आ रही थी, तो इसका मतलब है सर एसेट्स एक्वायर भी हुए हैं। अच्छा जी, इसी तरह सर मेरे पास पीपी का टैक्स बेस भी है। मैं नीचे जाऊं तो सर मेरे पास पीपी का टैक्स बेस आ रहा है, कोई ओपनिंग टैक्स बेस आ रहा है 9,655,000। तो सर मैं इधर भी ओपनिंग ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये सारी ट्रांजेक्शन जो पीपी में हुई हैं ये टैक्स बेस के हिसाब से भी हुई होंगी। अच्छा, इसका ओपनिंग मुझे गिवन है कितना जी, वो ओपनिंग 9,655,000। ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे इसका ओपनिंग पता नहीं है। ठीक है जी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका क्लोजिंग कितना है, तो मैं इसका क्लोजिंग आप इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ सर। इसका क्लोजिंग है सर मेरे पास 110,187,110,187,500। ठीक है जी, और सर इसका क्लोजिंग हमने निकालना है। तो सर मैं डेप्रिसिएशन देखूं तो मेरे पास ओन्ड एसेट्स पे अपनी डेप्रिसिएशन सर वो ये आ रही है। ठीक है जी। अच्छा सर, टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है ये मुझे एक सवाल में उसने बताया हुआ कि टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 8.501758। सर इट्स 8501758। ठीक है जी। फिर मैं सर एक्विजिशंस को देखूं तो एक्विजिशन मेरे पास आ रहे हैं पॉइंट नंबर 6.5 में 7.5 मिलियन की एक्विजिशन यहां भी आ रही है, और ये 7.5 मिलियन की एक्विजिशन यहां भी आ रही है। सर मुझे यहां सिर्फ डिस्पोजल की डिटेल निकालनी है, इसका ओपनिंग और दूसरे का क्लोजिंग बैलेंस मुझे बासानी मिल जाएगा। अच्छा सर, जो जो डिस्पोजल हुआ है उसके बारे में एग्जामिनर कह रहे हैं कि उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 4.5 लाख है। ठीक है जी, चलो। और जहाँ गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है उसके साथ वो कह रहे हैं कि इस एसेट की कैरिंग अमाउंट 6.5 लाख है। तो सर मैं इधर से 6.5 लाख रुपए हटा देता हूँ, और मैं इधर से टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू का डिस्पोजल हटा देता हूँ। ठीक है जी। अब इसका मतलब है सर मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊँ, माइनस दिस, तो ये मेरे पास आता है कोई सर 1,12,273,042। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये सारी ट्रांजेक्शन आ रही हैं सर। अगर मैं अकाउंटिंग गेन और टैक्स गेन निकालना चाहूँ, टैक्स गेन डिस्पोजल के ऊपर, तो मुझे एक बात पता है कि सर जो एसेट बिका है उस पर अकाउंटिंग गेन है कितने का जी, अकाउंटिंग गेन है उस पर सर कोई 3,75,000 का। सर उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर, कोई 6.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमने उसको बेचा कितने में होगा सर, 1025 में। और सर मेरे पास उसकी टैक्स के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, वह है कोई 4.5 लाख। तो सर मेरे पास जो टैक्स के हिसाब से गेन बन रहा है वो बन रहा है कोई 5,75,000 रुपये। यार चाय भी पिला दो दोस्त। अब अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास जो अकाउंटिंग और टैक्स डिफरेंसेज आ रहे हैं टैक्स प्रॉफिट्स में इस एसेट की वजह से, एक तो मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ। ठीक है जी, जिंदगी जी अकाउंटिंग डिडक्शन हमने ऐड बैक कर दी, और इसकी जगह हमने लेस कर दी टैक्स डेप्रिसिएशन। सर टैक्स डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दी। ठीक है जी, अब मैं गेन भी ले लूँ सर इसके अंदर, मेरे पास अकाउंटिंग गेन है, ये मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये मैंने एलिमिनेट कर दिया सर अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल 3,75,000, और इसकी जगह मैंने ले लिया टैक्स गेन 5,75,000 रुपये। और इसका मतलब इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें सुकून से देख ली। अच्छा सर, फिर मेरे पास एक चीज़ है जनाब, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर इस बंदे ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था। अलबत्ता इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मेरे पास कोई सवाल में कुछ 6,53,750। और इसी सवाल में उस बंदे ने ये भी बताया हमें, यानी मैं कह सकता हूँ सर इंक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड। सो
सर मुझे उससे मुझे ये भी बताया कि मेरे पास जो बैड डेट एक्सपेंस है वो है कोई 853,750। इसमें से सर राइट ऑफ हुए, लिख के दिया उसे सवाल में, वो कोई 2 लाख के करीब राइट ऑफ हुए। ठीक है जी, 2 लाख के करीब राइट ऑफ हुए इसमें से। लिखा हुआ सर के बैड डेट जो है वो 853,000 है टोटल एक्सपेंस, और जो प्रोविजन है वो 653,000 है। इसका मतलब है सर 2 लाख रुपए राइट ऑफ हुआ, उसने लिख के भी दे दिया। ठीक है जी, अब अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो सर मेरे पास लीज्ड एसेट्स हैं। लीज्ड एसेट्स अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास लीज्ड एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सर मेरे पास 1715,215। मेरे पास ओपनिंग नहीं है, ठीक है, एडिशन डिलीशन कोई नहीं है इसमें, सिर्फ डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता है सर, क्लोजिंग बैलेंस सवाल में गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस है 1715,215। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन हम यहाँ से पिक कर लेते हैं सर। ये रहा डेप्रिसिएशन सर मेरे पास लीज्ड एसेट्स पे। तो सर मैं अगर वर्क बैक करूँ तो मेरे पास सर इसका ओपनिंग बैलेंस अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, दिस माइनस दिस। ठीक है, यानी 1896,732। अच्छा, इसी तरह मेरे पास ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज। ठीक है जी, ये मैं देख लूँ सर तो मेरे पास ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस लीज का क्लोजिंग बैलेंस सवाल में गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सर मेरे पास लाइबिलिटी साइड पे 1543,6900। ओपनिंग नहीं है मेरे पास सर, ड्यूरिंग द पीरियड हमने इसकी रीपेमेंट की होगी और हमारे पास आ रहा होगा क्लोजिंग। ठीक है जी, तो क्लोजिंग हमारे पास आ रहा है सर 1543,6900। रीपेमेंट सर इस बंदे ने खुद दी है, नीचे दी हुई रीपेमेंट सर जहाँ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि जनाब हमने ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो कहाँ गया, सर हमने फाइनेंस लीज की प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन पे की है 2061,359। तो इसका मतलब सर लगभग हमारे पास वर्क बैक करके ओपनिंग बैलेंस रहा होगा दिस माइनस दिस। ठीक है जी, अभी आ गए सर मेरे पास, अब इससे सिर्फ मेरे पास दो चीजें निकली हैं सर। एक तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ इसका, ये अलाउड नहीं है, और दूसरा मैं इसके फाइनेंशियल चार्जेस ऐड बैक कर रहा हूँ। वर्ड बैक करूँ सर, लीज के फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ दिए हैं सर 1750,222,1750,222। अच्छा, इसकी जगह अलाउड क्या है सर, लीज रेंटल्स, ये अलाउड है। लीज रेंटल्स मुझे पता है सर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्लस का मतलब ये कि माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास आ गया सर लीज से रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है जी, अब मैं देखूँ सर मेरे पास कुछ परमानेंट नेचर के डिफरेंसेस हैं वो मैं निकाल लूँ तो सर मेरे पास और एसेट आ गया, लीज्ड एसेट आ गया, डेफर्ड टैक्स है, स्टॉक पे कोई वो मसला नहीं, अकाउंट रिसीवेबल का कोई इशू नहीं है, वो हम प्रोविजन में कैप्चर कर चुके हैं। एडवांस टैक्स आ रहा है सर इसमें, डिविडेंड पेड विदहोल्ड टैक्स विदहोल्ड हुआ है, सेल डिपॉजिट इसमें अब कोई और एसेट और लाइबिलिटी नहीं बचती, तो मैं जा रहा हूँ सर अब परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर। सबसे पहले मेरे पास है डोनेशन नॉट अलाउड, डोनेशन सर मैं ये ऐड बैक कर रहा हूँ 562,500 का। इसी तरह सर मैं डिविडेंड यहाँ से निकाल रहा हूँ, डिविडेंड इनकम, ताकि वो लो रेट के ऊपर हम टैक्स कर सकें 512,500। ठीक है जी, अब सर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास बाकी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं सर। मेरे पास एक प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट आ रही है, उसको मैं बिल्कुल आखिर में लेता हूँ सर। अगर मैं इस साल की टैक्सेबल इनकम निकालूँ तो वो मेरे पास आ रही है सर
ये मैं एलिमिनेट करूं सर, ये कुछ 14251700। इसका मतलब है सर मुझे जो जेन्युइनली टैक्स पे करना पड़ता इस साल की इनकम पे वो इतना है। मैं कह सकता हूं सर टैक्सेबल इनकम। अब सर टैक्सेबल इनकम पे मैं निकाल रहा हूं सर करंट टैक्स करंट ईयर, ठीक है जी। और इसमें मेरे पास दो चीजें हैं सर करंट टैक्स करंट ईयर में। एक तो सर मेरे पास एट नॉर्मल रेट्स, ये मेरे पास सर टैक्स होगा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट है सर सवाल में गिवन है वो है 35% का, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सर करंट टैक्स एट रिड्यूस रेट्स है, ये डिविडेंड के ऊपर है और डिविडेंड की इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं 0.1 का, 51,250। अब सर मेरे पास यहां मैं प्रायर ईयर लूंगा, करंट टैक्स प्रायर ईयर मेरे पास है सर, एडजस्टमेंट है। मैं उसको अगर रीड करूं तो सर एडजस्टमेंट में आ रहा है कि अप टू द ईयर एंड द कंपनी, नहीं सॉरी, ऑन अकाउंट ऑफ एन अपेरेंट मिस्टेक इन द रिटर्न रिलेटिंग टू लास्ट ईयर रिवाइज रिटर्न वॉज फाइल्ड एंड द टैक्सेबल इनकम वॉज रिड्यूस्ड बाय 18 लाख। तो सर मुझे ये बेनिफिट मिला है तो मैं सर 18 लाख रुपए की इनकम को अगर रिड्यूस करूँ उस पर टैक्स बनता है सर को 6,30,000 रुपये का। तो उसका मतलब है सर मेरा जो करंट टैक्स पेबल है इस साल का वो ये है। अब ऊपर एडवांस टैक्स आ रहा है तो उसमें से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी टोटल लाइबिलिटी बन रही है एक्सक्लूडिंग एडवांस टैक्स, ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ सर, अब मैंने निकालने जनाब डेफर टैक्स का इम्पैक्ट। और डेफर टैक्स के लिए सर मैं, चूंकि मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है मुझे उस पर भी डाउट है कि वो गलत है, तो मैं प्रॉपर बैलेंस शीट अप्रोच यूज कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले इसमें ये करूँगा सर कि मेरे पास पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स के बाद सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस ये ओपनिंग, और इसी तरह कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस मेरे पास क्लोजिंग भी है। अच्छा, मैं एक नेट डिफरेंस का कॉलम भी बना दूं अपनी तसल्ली के लिए। सबसे पहले मैं काम करूं, मेरे पास पर्टिकुलर्स में आ रहा है पीपी अपना, इसका ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल साल के स्टार्ट का बैलेंस वो है मेरे पास सर कोई 1.112 मिलियन। अच्छा, इसी तरह इसका टैक्स बेस जो मेरे पास साल के स्टार्ट का मौजूद है वो है कोई 96,550। इसका मतलब है इस पर ओपनिंग डिफरेंस मौजूद था कुछ 16 मिलियन के करीब का, ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस इसका साल के एंड पे वो 110 मिलियन है, और इसी तरह इसका क्लोजिंग बैलेंस जो टैक्स बेस का है वो 95 मिलियन है, और मेरे पास जो डिफरेंस है वो 15 मिलियन, यानी मेरे पास डिफरेंस रिड्यूस हो गया सर, इतना डिफरेंस रिड्यूस हुआ है। अब देखिए आइडियली ये जो डिफरेंस रिड्यूस हुआ है ना, ये आप ऊपर से टैली कर सकते हैं और मैं इसको मार्क करता जाऊंगा कि मैंने देख लिया 1, 2, 3 और 4। अगर आप ये देखें ना 1,083,784, इसका मतलब है सर ये सारे डिफरेंसेस जो नेट डिफरेंस रिड्यूस हुआ है उससे रिकनसाइल हो रहा है 1,083,784 और 1,083,784, ठीक है जी। तो इसको मैं कर रहा हूँ सर ये लो कि भाई ये डिफरेंस मैंने ऊपर रिकनसाइल कर लिया बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों से। फिर मेरे पास है सर लीज्ड एसेट या लाइबिलिटी। सर अगर मेरे पास लीज्ड एसेट या लाइबिलिटी को मैं देखूँ तो मेरे पास नेट एसेट लीज का कितना है सर, सर ओपनिंग में मेरे पास एसेट इतना था, लाइबिलिटी में माइनस कर रहा हूँ इतने से, तो मेरे पास नेट एसेट था 1.46 मिलियन। इसका टैक्स बेस जीरो है तो उसका सर डिफरेंस भी इतना मौजूद था। ना FBR फाइनेंस लीज में दिए जाने वाले एसेट को लेसी का मानता है, और अगर एसेट को नहीं मानता लेसी का, वो लेसर का मानता है उसको, तो ऑब्लिगेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती FBR की नजर में, ठीक है जी। अब अगर मैं आता हूं सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस पे एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो सर मेरे पास यहां टैक्स बेस जीरो, डिफरेंस जो है वो मेरे पास इंक्रीज हुआ है सर कोई 2,46,000 से। और अगर अब मैं ऊपर जाकर उसको टैली करना चाहूं तो मुझे सर ये दो चीजें नजर आ रही हैं लीज से रिलेटेड, और ये और सर ये आ रहा है 246,147। बिल्कुल आप देख रहे हैं मैच कर रहा होगा 246,147 इन तीनों का टोटल है, और अगर आप नीचे जाके देखें तो आपको ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। लीज एसेट आके सर फिर मेरे पास
तीसरी चीज़ जो बची हुई है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, जिस पर मुझे उनकी लायबिलिटी है। सर ओपनिंग कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है, 653,250 का क्लोजिंग बैलेंस है और सर यही मेरे पास डिफरेंस, और अगर मैं ऊपर जाके देखूँ तो यही 6,53,000 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है 853 और इन दोनों का नेट। बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं सर, या तो मेरे पास परमानेंट डिफरेंस है या लो रेट ऑफ टैक्स है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे डिडक्टेबल डिफरेंस हो। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हमारे पास लास्ट ईयर मौजूद थे 1,425,1,700 के, और सर ये डिडक्टेबल डिफरेंसेस की तरह ट्रीट होंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्लोजिंग में है ही नहीं क्योंकि यूटिलाइज हो गया पूरे डिफरेंसेस, ठीक है जी। तो अगर मैं साल के स्टार्ट पे देखूं, मेरे पास टोटल डिफरेंसेस जो डेफिटेक्स के लिए एलिजिबल थे वो थे 3,390,410, ठीक है जी। और यही डिफरेंसेस मेरे पास साल के एंड पे मौजूद है 1,490,887 के अमाउंट पे, टोटल डिफरेंसेस है। अच्छा जी, अब मैं सर अगर देखूं तो मेरे पास ये टैक्सेबल डिफरेंस है, पॉजिटिव अमाउंट है सर, कैरिंग अमाउंट एसेट का बड़ा टैक्स बेस छोड़ा, टैक्सेबल डिफरेंस है। लायबिलिटी को मैंने नेगेटिव में रखा है ताकि डिडक्टेबल डिफरेंसेस नेगेटिव में आ सके। ये दोनों टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं और 35% के रेट से ये ओपनिंग डेफर टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए थी, ये क्लोजिंग डेफर टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो यार इस बंदे ने सवाल में एक गलत बैलेंस डेफर टैक्स लायबिलिटी का और एसेट का दिया हुआ है। इनफैक्ट एसेट दिया हुआ है 7,500,000 रुपए का, अभी अर्न शर्ट इसने मार दिया है फिगर, ये कहीं से टैली नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सर मैं अगर जाऊं दोबारा सवाल के ऊपर, तो सर मैं अगर डेफर टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट बनाऊं तो सर मेरे पास डेफर टैक्स लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा है कोई 1.186 मिलियन, क्लोजिंग बैलेंस सर मेरे पास आ रहा है कोई 5,21,810। इसका मतलब है मेरे पास सर डेफर टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड रिड्यूस डेफर टैक्स इनकम आया मेरे पास, ठीक है जी। इतने रुपए की डेफर टैक्स इनकम है मेरे पास। अब अगर मैं सर ऊपर जाके गलती तो नहीं किया, सॉरी कॉलम ही गलत मैंने टोटल कर दिया, ये कॉलम टोटल करना सर। देख लेना भाई, ये आ गया क्लोथिंग बैलेंस। मेरे पास डेफर टैक्स चार्ज आ रहा है कोई 446,6,285, ठीक है जी। अब अगर मैं एक काम करूं सर, मैं ऊपर जाके रिकंसिलेशन बनाना शुरू करूं, तो सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है कोई 35% के हिसाब से 1,269,2,231। अच्छा सर, फिर मेरे पास परमानेंट डिफरेंसेस हैं, रिलीफ मैंने रिवर्स करना है ऑन डोनेशंस, रिवर्स करना है क्योंकि सर ये परमानेंट डिफरेंस है। इसी तरह सर मैंने डिविडेंड पे टैक्स बुक किया 10% से, तो मैंने 25% का टैक्स जो है वो ऊपर चार्ज किया, तो मैंने सर इसको भी हटाना है, ठीक है जी। और मेरे पास सर प्रायर ईयर टैक्स इम्पैक्ट्स भी हैं जो करंट ईयर से पर्टेन नहीं करते। देखिए, इस टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट शामिल है, रिलीफ भी इसके अंदर शामिल था क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने ऊपर रिलीफ नेट किया हुआ है, मैंने ऐड बैक कर दिया। डिविडेंड पे आपने पूरा टैक्स, क्योंकि डिविडेंड इनकम में शामिल है, इनकम पे पूरा टैक्स लग गया 35% का। मैं डिविडेंड इनकम पे 25% का टैक्स रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे करंट और डेफर टैक्स में सिर्फ 10% पे आ रहा है। प्रायर ईयर टैक्स इम्पैक्ट सर चूंकि इस साल से पर्टेन ही नहीं करते। सर अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे पास ये 6,500,000 के, ये 6,30,000 रुपए के, अगर मैं इनको ऐड अप करता हूं तो सर मेरे पास ये आता है जनाब कोई 12,130,963। अब अगर मैं सर इसको करंट और डेफर टैक्स वो करूं, करंट टैक्स सर मेरे पास है करंट ईयर 6,30,000, सर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास है नेट करंट टैक्स, नेट करंट टैक्स चार्ज, इसमें मैं ऐड करता हूं सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। सर वो गलती हुई थी, वो नीचे देख लीजिएगा आप, गलत कॉलम ने टोटल कर दिया था, ठीक है जी। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है कोई करंट ईयर से रिलेटेड बस, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये हमारे पास आता है जनाब
अभी मैंने गलत कॉलम तो नहीं पिक कर लिया? टैली हो गया ही फिगर यार, गलती से जो है ना, चूंकि ये लाइव चल रहा होता है तो इसमें पूछ नीच हो जाती है इसमें। ठीक है जी, सही कर लीजिएगा इसको, सारी सवाल में टैली कर दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।